मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी गुड़िया की तरफ से सबको अस्सलाम अलैकुम और मेरी तरफ से जी। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, सुबह सवेरे आपके भाई उठता ही आपके भाई ने अपनी ड्यूटी निभाई और इसके बाद बैठक के अंदर आके सो गया, क्योंकि आपके भाई की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आप जानते हैं। तो इस तरह बैठक में सोया हुआ था, साकी आ गया और साकी को फिर कहा कि यार पानी शानी पिला दो। तो फिर साकी ने पानी शानी पिलाया और जानवरों को छाँव पे बांधा। तो इस तरह उसकी मिन्नतें की, फिर मैं चला गया क्योंकि आबद भैया ने पानी लगाया हुआ था, सोलर मोटर चलाई हुई थी घास वगैरह को। तो उसके साथ वीडियो वगैरह बनाई थोड़ी सी, तो उसको कहा मैंने चलो थोड़े थोड़े सीन बना दे। इसके बाद मैं वापस आ गया और आसिफ भी बैठक पे आया हुआ था और कह रहा था कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैंने सुना है आपकी तबीयत ख़राब है। तो इस तरह आसिफ भाई के पास बैठा तो अच्छी खासी गपशप लगाई। फिर आसिफ भैया और भैया कहीं चले गए और फिर जैद आ गया। जैद को काम था कोट सुल्तान, वो कह रहा था कि मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं यार, मैं साथ नहीं चल सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। तो उस तरह फिर उसके साथ चला गया क्योंकि मैंने सौदे लेने थे कुछ, तो फिर उसके साथ चला गया। इस तरह मैं पहुंचा अपने कज़न दुकान पर, अदर किराना स्टोर पर। तो उधर मैंने कोई सामान लिया, चावल वगैरह लिए और चिकन वगैरह ली। तो इसके बाद ये सामान वगैरह लेने के बाद फिर मैंने कहा चलो घी वगैरह भी ले लेता हूँ, क्या पता घर में ये काम पड़े हों सोते। तो मैंने घी वगैरह ले लिया, फिर वापस आ गया तो राफे को कुछ तंग किया जैद ने, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। मैंने वीडियो बना ली और इसके बाद मैं चल पड़ा आबिद के पास। मैंने कहा चलो देखता हूँ कितना पानी लगाया हुआ। तो आबिद भैया ने कहा कि मैंने बस पानी लगा लिया है और लास्ट जो है ना वो क्यारे को है, हम क्यारा कहते हैं तो उस क्यारे को है। तो मैंने कहा चलो अपने जो कारेज के पौधे सूखे हुए हैं तो उनको भी पानी लगा लेते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कारेज वगैरह बनाई और उसके अंदर जो पौधे थे उनको पानी वगैरह लगाया। और इसके बाद मैं और आबिद भैया चल पड़े डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने दवाई लेनी थी, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। मैंने कहा चलो टेस्ट वगैरह करा लेते हैं। तो जब हम कोट सुल्तान पहुंचे तो उधर हमें पता चला कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक तो बंद है। फिर हम एक और क्लिनिक पर पहुंचे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक थी, तो टेस्ट करवाना लाजमी थे। तो इस तरह हम पहाड़पुर एक क्लिनिक पर पहुंचे जिस क्लिनिक का नाम था अली हेल्थ केयर क्लिनिक। तो उधर भी डॉक्टर साहब नहीं आए थे। फिर हम परेशान होकर फिर और डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। तो उधर आखिर पहुँच ही गए डॉक्टर साहब के पास। तो उधर हमने अपना चेकअप वगैरह कराया, उसे कॉल की तो डॉक्टर साहब आ गए क्लिनिक पर। तो हमने चेकअप वगैरह कराया और टेस्ट वगैरह कराया तो मुझे 101 पे बुखार था। डॉक्टर साहब ने कहा आप सेब खाएं और पानी पिएं। तो मैं टेस्ट करता हूँ। फिर हमने दवाई लेने के बाद फिर दोबारा घर का रुख किया। तो उधर घर आते ही मैंने कुछ काम करना था उधर सुपर स्टोर पर, तो गया। तो उधर कुछ केक वगैरह लेना था, केक नहीं था, तो मैंने कहा चलो जूस पी लेते हैं। फिर हमने जूस पिया और जूस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा था, बहुत ही मज़े का जूस था। ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके नशावर अद्वियात डली हुई हो, मज़ा आ रहा था पीने का क्योंकि उसका टेस्ट ही है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।